बंसल न्यूज वक्त पर मौजूद है सलवानी विधानसभा के बेगमगंज में, जहां पर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह जो है यहां पर पहुंचने वाले हैं। हम देखा पाएंगे साला जिले का जो है प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है। यहां का प्रकार की ये बंसल न्यूज का दर्शक देख पा रहे होंगे, हालांकि कितने करोड़ रुपए की सौगात मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी सलवानी विधानसभा को देने वाले हैं, इसका भी कोई अता पता नहीं। हम दिखाना चाहेंगे सीधा यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबा जो है पंडाल जो देख पा रहे होंगे बेगमगंज के सीएम राज स्कूल में देखा जा रहा है। करीब 8,000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन आनंद फानन में जो है सीएम का कार्यक्रम रखा गया है। अभी कोई भी प्रशासनिक अमला जो है बंसल न्यूज़ से बात करने को तैयार नहीं है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कि असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है जो कि नज़दीक है, जिसके चलते जो है आए दिन जो है मैं बता दूँ आपको कि जो सभाएँ चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। हम अपने बंसल न्यूज़ के कैमरामैन आशीष जोशी से कहेंगे दिखाएँ कि सामने जो है रायसेन अपर कलेक्टर जिला खाद्य अधिकारी और जहाँ पर जो है मौजूद हैं, यहाँ पर हम दिखा पाएंगे कि उनके जो वाहन है जो है यहाँ का लाउर यहाँ पर खड़ा हुआ है, बराबर जो है बारीकी से देख रेख हो रही है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का यहाँ पर कार्यक्रम है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो है मंच का जो है पंडाल लगाया गया है और यहाँ पर जो है मंच की तैयारी की जा रही है। करीब 10 बजे जो है सीएम की जो है का आगमन बेगमगंज होगा हेलीकॉप्टर द्वारा, लेकिन अब ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या वो सौगात प्रदेश सलवानी विधानसभा को देने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, बंसल न्यूज़, बेगमगंज।